माना जाता है कि भारत में कई ऐसी जगह है जिसको देखने से हमें लगता है कि ये नामुमकिन है। कुछ जगह ऐसी भी है जिसका रहस्य आज भी किसी को नहीं मिल रहा है। कई ऐसे गांव है जहां पर लोगों की श्रद्धा अपरंपार है। वैसा ही एक रहस्यमय और लाखों लोगों की श्रद्धा जहां पर टिकी है, वैसा यह है गुजरात के गांधीनगर में स्थित रूपल गांव। ये गांव देखने में तो सामान्य गांव की तरह ही दिखता है, लोग भी सामान्य हैं, पर आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो होता है उससे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में इस दिन बहती है घी की बाढ़। पूरा गांव घी की नदी से उभर जाता है। लोग घी की बहती इस नदी में नहाने लगते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? कहां से निकल आती है ये घी की नदी? असल में यहां पर स्थित है मां वरदायिनी का मंदिर। सालों से यहां पर होते पल्ली के महामेले में लाखों श्रद्धालुओं की उमटती है भीड़। यहां पर मां वरदायिनी का बड़ा ही महात्म्य है। सालों से मां वरदायिनी लोगों को दर्शन देने के लिए नगर में निकलती है। मां जिस पर विराजमान होती है वो पल्ली, जो कि खेजड़े के पेड़ में से बनाई जाती है। इसकी विशेषता है कि यह 7 से 8 फीट ऊंची होती है और इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग इस पल्ली के दर्शन के लिए टूट पड़ते हैं। खासकर लोग अपने बच्चों के लिए इस पल्ली के आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि माँ वरदायिनी की कृपा से बच्चों का भविष्य अच्छा बनता है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि दर्शन देने के लिए निकली माँ वरदायिनी की इस पल्ली में अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए लाखों किलो शुद्ध घी इसमें डाला जाता है। कुछ भी हो जाए लेकिन इस पल्ली की ज्योत जलती रहनी चाहिए। और खास बात ये कि माँ के चरणों में चढ़ाया जाने वाला ये लाखों किलो शुद्ध घी कहाँ से आता है, कौन दे जाता है, इसका पता आज तक नहीं चला। यहाँ पर आते श्रद्धालु बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में से छलकते घी को माँ की पल्ली में डालते ही रहते हैं। रात होते होते पूरा गांव घी से भर जाता है। माना जाता है कि हर साल होते इस पल्ली के अवसर पर 15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु मां के दर्शन को पहुंच जाते हैं। अब देख सकते हैं कि कैसे लोग पूरे गांव में बह रहे इस घी को प्रसाद के तौर पर अपने घर पर भर भर के ले जा रहे। माना जाता है कि यह परंपरा 5000 साल पुरानी पांडवों के समय की है। पांडवों ने माँ वरदायिनी का पूजन किया था। माँ वरदायिनी का आशीर्वाद लेने के लिए विदेशी लोग भी उमट पड़ते हैं। कहा जाता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ इस मंदिर में लगती है और वरदायिनी माँ के आशीर्वाद से इतने बड़े पल्ली के मेले में किसी को भी छोटी सी भी आंच नहीं आती। श्रद्धा के इस मेले में बहती शुद्ध घी की नदियों का अद्भुत नजारा देखने के लिए गांधीनगर के इस रूपल गांव में आपको जरूर आना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही और रहस्यमय जगहों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।